बहुत से लोग मुझे बोलते हैं आपको तो ना पैसा आ रहा है भाई, और मैं सोचती हूँ कि आज के टाइम में पैसा किसको नहीं अच्छा लगता। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप कुत्तों से प्यार करते हो नहीं करते, आपको पैसे से प्यार है ना, तो अगर आपको पैसे से इतना प्यार है और आपको पता भी है हमें बहुत पैसा आ रहा है, तो आप अपना बिजनेस छोड़ के आप यही काम क्यों नहीं कर लेते। पैसा प्यार है, पैसा चाहिए ना, छोड़ो अपने बिजनेस, अपनी जिंदगी छोड़ो, इस काम में आओ डॉग्स में और बहुत पैसा कमाओ। मैं प्रे करती हूँ आप ये काम स्टार्ट करो, आपके बैंक ही भर जाए। मैं लोगों को बोलती हूँ आप शुरू करो है ना, और डॉग्स के बीच में रहो, क्लीनिंग करो। कुछ लोग तो ऐसे हैं मतलब वो हमारी वीडियोस भी नहीं देख सकते क्योंकि उनको फील होता है ना, हाँ ये कैसे कर रहे हैं, डॉग को कीड़े पड़े हुए हैं, लेकिन बातें करने में ये लोग सब आगे हैं। मैं चाहती हूँ कि लोग अपने बिजनेस छोड़ के इस काम में आए, फिर वो हमारा फील और पेन समझे। कुछ लोग इस लाइन में आए भी थे, अब जब उनको कभी रेस्क्यू के लिए कॉल करता ना कोई, हमने ये काम छोड़ दिया है, या फिर हमने डॉग नहीं उठाते, हम ये उठाते हैं, उन्होंने ऐसे ऐसी कैटेगरीज चूज की हुई है, अपनी मर्जी से रेस्क्यू करते हैं, जहां से कुछ फंड मिल गया नहीं मिला जो भी एक है ना, दफा करो। बट मेरे को समझ नहीं आता यार, आए दिन लोगों का टंटा चला रहता है। ये मैं कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, भगवान फल दे रहा है, तुम भी मेहनत करो तुम्हें भी फल मिलेगा। जरूरी नहीं इस काम में, जिस भी काम में शिद्दत से मेहनत करोगे ना, भगवान सब कुछ देगा। और सबसे बड़ी बात, नीयत साफ रखना। तुम्हारी नीयत इतनी गंदी होती है ना, भगवान तुम्हें फिर वो दिहाड़ी जोगे रखता है। जिन लोगों ने डॉग रखे हुए हैं, जिनके शेल्टर्स हैं, वो समझ सकते हैं कि वहां पर कितनी स्मेल आती है। एक बार तो एक बंदा हमारे मिलने भी आया था, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाया क्योंकि स्मेल थी है ना। और देखो हम उसी स्मेल में रहते हैं, खाते हैं पीते हैं, उसी में हमें काम करना है ना। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है ना, कई बार जैसे कोई मिस्त्री आते हैं ना, ओहो आपको तो बहुत अच्छा हाल है, आपको ये हाल है वो हाल है, ये चीज़ें सब दिखेंगी, और हमने उनको दिहाड़ी पे करनी है कि भैया ये काम यहाँ कर दो। वो काम नहीं करते, वो छोड़ के चले जाते, हम नहीं करेंगे, हमें ना स्मेल आ रही है यहाँ पे। मतलब तुम्हें पैसे मिलने, तुम फिर भी वो काम नहीं कर रहे। पर हमें तो लोग अपनी मर्जी से हेल्प करते हैं, हम कभी जबरदस्ती किसी के अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, या आपने देखो हमें हमारी सरकार कुछ कर रही है सपोर्ट, या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन करनाल में बैठे हुए हैं वो सपोर्ट, कौन का सपोर्ट कर रहा है? किसी ने 100 रुपीज डाल दिए, किसी ने कितने डाल दिए, किसी ने खाना भेज दिया। जो एनिमल लवर्स है, पेट लवर्स है, मिलजुल के इन बच्चों को खाना मिल रहा है, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं। जितनी भी एनजीओज है, शेल्टर होम है, कुछ भी है जहाँ पर बच्चों को हेल्प मिल रही है ना, वो सिर्फ जो एनिमल लवर्स है, पेट पेरेंट्स है, वो मिलके कर रहे हैं। कभी आपने देखा है जो जिसने कभी कुत्ते को एक रोटी नहीं दी, वो मेरे को नहीं लगता कि आपको डोनेट करेगा। हमेशा जो भी बंदा आपको डोनेट कर रहा है, खाना भेज रहा है, उनके घर में डॉग होगा, उन्हें वो फील पता होगा। और आपको पता है कि डॉग लवर्स लोग बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, तो वो सब मिलके ना ये स्ट्रीट डॉग्स की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो स्ट्रीट डॉग्स को खाना मिल रहा है, हम जा रहे हैं उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लोगों से नहीं देखा ही नहीं जा रहा। लोगों को होता है कि बस जी लोगों के लिए लंगर लगाओ, लोगों को राशन बांटो, लोगों को ये करो। यार जो जितने भी हैंडीकैप लोग हैं सबको पेंशन मिलती है, विधवाओं को पेंशन मिली हुई है, जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको इतना राशन मिलता है, और इंसान तो भीख मांग सकता है, लंगर खा सकता है, कुछ भी कर सकता है। एनिमल्स कहाँ पर जाएंगे यार? मेरे को है इनके लिए फीलिंग्स, और मैं इनके लिए ही करना चाहती हूँ।